कहाँ से हैं, क्या है बच्चों? देखिए, ये बच्चा जो है 15 फेब को जो है अपने घर से लापता हुआ था, और जिसकी रिपोर्ट भी 15 की रात को ही पुलिस चौकी जो हमारी आहूरा की है वहाँ पे उन्होंने दर्ज करवाई थी घर वालों ने। इमिजिएटली FIR लगा के और इसमें कार्रवाई शुरू की गई। और चूँकि इलाका जो है वो जंगल के साथ भी लगता है, और बच्चे की उम्र को देखते हुए, 8 साल तालिब की उम्र थी, और उसकी उम्र को देखते हुए ये भी अंदेशा लगा, थोड़ा खदशात थे कि शायद जानवर वहाँ पे ना आए हों, और जानवरों क्योंकि वैसे हादसे जो हैं पहले भी इस इलाके में हुए हैं, तो जंगल की भी सर्च करवाई गई, जिसमें लोकल्स इवन आर्मी को भी हमने इन्वॉल्व किया, ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, स्निफर डॉग्स जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया, और जितनी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे अक्सर ऐसे कई बार हादसा होते रहते हैं कि जहाँ वाटर बॉडीज़ में भी बच्चे गिर जाते हैं, उनको भी देखा गया। और इसके साथ साथ जो ये जाविया देखा गया कि क्या इसको कोई किडनैप कर सकता है, चाहे रैनसम किसी पर्सनल अदावत पे या किसी और चीज़ पे, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शॉर्टलिस्ट करके उन पे अलग अलग पहलू से तफ्तीश की गई। काफ़ी टीमें इस पे तफ्तीश कर रही थी, और इसी तफ्तीश के दौरान एक जो जिन पे हमें और जब क्योंकि फीडबैक भी आगे पीछे से जब लिया, तफ्तीश के दौरान जो चीज़ मालूमात हासिल हुए उनके बेस पे एक सस्पेक्ट जिसका नाम आमिर है, और आमिर उनका पड़ोसी है, तालिब जो लड़का जिसकी मतलब जिसका कत्ल किया गया है, आमिर जो है उसका पड़ोसी है, और लगभग 19 साल उसकी उम्र है। आमिर ने ही ये वारदात की है, और आमिर को हमने अरेस्ट किया। आमिर के डिस्क्लोजर पे ही डेड बॉडी जो है वो जंगल से रिकवर की गई। कितने दो लोग सुन हाँ, इसमें आमिर की जो मदर है वो उसका भी प्राइम रोल ये बनता है कि वो उसी के बहकावे में आके बहकावे पे ये आमिर ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है, और दोनों को अरेस्ट किया गया है, और जो मजीद जो तफ्तीशात हैं वो जारी। इनका बड़ा नेटवर्क है इसमें जो इनसे जुड़ा है, क्या उनको भी इसमें बुलाने की आप तफ्तीश के लिए? देखिए, अभी पहले तो हमें जो एक्यूज मेन एक्यूज्ड हैं उनके डिस्क्लोजर पे डेड बॉडी रिकवर हुई, और जो लीगल बाकी प्रोसीजर्स हैं वो शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और, चाहे वो एक शख्स है या दो शख्स है या और ज़्यादा जितने भी शख्स होंगे, अगर वो इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं दौरान तफ्तीश, तो उनको भी जाब्ते के तहत ही कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा और आगे की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की जाएगी। सर, ये पहली पता चला था कि पहले ही दिन इसने इसका कत्ल किया था या बाद में, या ये इलाके में छुपा था अभी किसी तक के की लिए? तफ्तीश के हिसाब से जो हमें मालूमात हासिल हुई है, ये पहले ही रोज़ जिस रोज़ ये बच्चा जो है अपने घर से गायब हुआ है, ये उसी रोज़ ये वारदात